श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री गिरिराज धरण की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती मात की, खेड़ापति सरकार की, संत सद्गुरुदेव गौ माता की, चिंता संतान हंतार यत्पदान रेणवा श्री अनंत नीचार्यान प्रणमामि मोहम्मः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातीतो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेष लीलाक्षरप्रेषयिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बिः सेव्यमानं कलानिधि चतुर्भीष्व षड्विजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये नमः बोलमहं कालराजा की ओंकारेश्वर भगवान की गंगा महारानी की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी परम प्रिय शिव महापुराण की कथा हरदोई नगर में अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित इस पुनीत पावन कथा का लाभ लेने का सौभाग्य माघ महीने में हरदोई नगर वासियों को प्राप्त हुआ है। पूरी दुनिया के लोग गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में जा रहे हैं, पर मेरे भोलेनाथ स्वयं गंगा जी को लेकर हरदोई में ही आ गए। ये प्रभु की कृपा है। सब वहां पहुंच रहे हैं और बाबा विश्वनाथ गंगा को लेकर हरदोई आ गए। कुछ हरदोई वालों का प्रेम होगा भगवान शंकर से। वो कहते हैं ना, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको भोलेनाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये शिव की करुणा है। जनता चुने तब जाकर लोग संसद में पहुंचते हैं, और भगवान विश्वनाथ मेरा करुणा सागर, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा महादेव अगर चुने तो वही शिव महापुराण की कथा में पहुंच पाता। हजारों हजार श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण कर लीजिए, हजारों हजार बार राम कथा सुन लीजिए, और जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लीजिए। अपने जीवन का सबसे बड़ा फल ये शिव महापुराण की कथा है। महाराज, सारी पुराणों को निर्मित करना, सारी पुराणों को निकालना, 18 पुराण, 6 शास्त्र, जितने भी पुराण और शास्त्रों को निकाला गया वो केवल एक शिव की पुराण से ही प्रकट, क्योंकि प्रथम वक्ता भी शंकर है और प्रथम श्रोता भी शंकर। शिव वक्ता भी है और शिव श्रोता भी। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी? अरे बोलो जम के, तुलसीदास। अच्छे से बोलो, ऐसे मत बैठो जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया तुमको। अलमस्त बैठिए, बिल्कुल कथा में जाने से पहले एकदम बढ़िया चकाचक बैठकर कथा का स्थान करना चाहिए। एकदम कोई ले जाकर बिठा दिया, जिसे बहू को ले जाकर सास बिठा दे एक जगह पर, बेचारी ऐसी किसी मुंडा ढाकी बैठी रहे और सास के की आवाज नहीं आना चाहिए तो बेचारी चुपचाप बैठी, का मतलब है। तो पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी? तुलसीदास जी। और कोई? वाल्मीकि। ठीक है, पर अगर शास्त्र उठाकर देखा जाए तो सबसे पहली रामचरितमानस की रचना बाबा महादेव ने करी है, शंकर भगवान विष्णु, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने श्लोक हैं? 100 करोड़। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों शंकर भगवान के पास पहुंचे और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, भोलेनाथ विश्वनाथ करुणा सागर करुणा करिए। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा, हुआ क्या महाराज? आपने इतनी सुंदर रामचरितमानस की रचना करी और उसको रख लिया अपने हृदय में, ये हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, तीनों मेरे दरवाजे पर आए हैं और मेरी चौखट पर आया हुआ कोई खाली ना जाए। बाबा विश्वनाथ ने कहा, ले जाओ, तुम ले जाओ। 33-33 करोड़ श्लोक शंकर जी ने तीनों को दे दिए। शिव जी के पास 1 करोड़ श्लोक बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गया। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा, अब क्या हुआ? भोलेनाथ जी, आपने 1 करोड़ श्लोक अपने पास रख लिया, वो भी हमको दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, ले जाओ 33-33 लाख और ले जाओ।
शिव जी के पास 1,00,000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा अब क्या हुआ? बाबा 1,00,000 श्लोक आपके पास में। शंकर जी ने कहा ले जाओ 33,000 और ले जाओ। शिव जी के पास 1,000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ करुणा करिए, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भरा। मन में वस्तुओं की चाह बनी रहती है और मुर्दे मसान में ले जाकर जला जला कर आ जाओ, मसान तो भी खाली की खाली ही बना रहता है। तो भगवान शंकर के धाम में तीनों फिर पहुंच गए। बाबा कृपा करिए। बाबा विश्वनाथ ने कहा 1,000 श्लोक लेने वाले 3 ले जाओ, 33,300 और ले जाओ। शंकर जी के पास 100 श्लोक बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ आपके पास 100 श्लोक हैं। शिव जी ने कहा 33,300 और ले जाओ। शंकर जी के पास मात्र कितना बचा? 1 श्लोक। अब तीनों आ गए वापिस। शिव जी से कहा भोलेनाथ आपके पास में 1 श्लोक है। शंकर भगवान ने कहा लेने वाले तुम 3 श्लोक एक एक दूं तो दूं कैसे, पर मेरे दरवाजे से कोई खाली ना जाए। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने देखा कि संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक है और संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, इसलिए बाबा भोलेनाथ ने 10 अक्षर तीनों को बांट दिए और शिव जी के पास मात्र 2 अक्षर रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ आपने सब कुछ हमको दिया और ये 2 अक्षर जो आपके पास में रखे हैं ये भी हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता, मत दीजिए, पर ये तो बताओ कि ये 2 अक्षर है कौन से। शंकर कहते हैं एक रा और दूसरा मां। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को। और दुनिया के लोग सुबह से उठते से ही राम दूसरे को देते हैं, काम अपने पास रखते हैं। भैया राम राम। उसने पूछा कहां जा रहा है? काम पर जा रहा हूं। राम तू धर ले काम मेरे, राम मेरे पास नहीं। महाराज प्रथम वक्ता भी शिव हैं और प्रथम श्रोता भी शिव। दुनिया का केवल ब्रह्म लोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा जो ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, बैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, पर मृत्यु लोक का देव है, अरे बोलो तो, भोलेनाथ महादेव पृथ्वी का देवता है। पर आजकल एक बड़ी बड़ी बात हो गई, लोग कहते हैं हम कृष्ण वाले, वो कहते हैं हम नारायण वाले, वो कहते हैं हम देवी जी को भजते हैं, वो कहते हैं हम साई को भजते हैं, वो कहते हैं हम राम को भजते हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण को भजते हैं, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते, हम भोलेनाथ के मंदिर नहीं जाते। शंकर भगवान के भले माता मुझे कौन सा फर्क पड़ता है तुम्हारे आने और नहीं आने से। सबसे बेफिक्र देवता एक ही है बाबा विष्णु, बहुत अलमस्त बैठा रहता है। कई लोग कहते हैं बाबा तुम पर कोई पानी नहीं चढ़ाता, लोग तुम पे प्रणाम नहीं करते, लोग तुमको बेलपत्र फूल नहीं चढ़ाते, तुम फिर भी कल्याण। बाबा बोले चढ़ाए नहीं चढ़ाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे ससुर ने मुझको श्राप दिया है दक्ष प्रजापति ने कि हे शंकर तूने मेरा अपमान करा है इसलिए तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हैं जीते जी मेरा भजन नहीं करेगा, मर के तो मेरे पास ही आएगा। बेटा ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा 4 दिन तुझे ठंडा नहीं होने दूंगा, आ तो सब। बाबा अलमस्त है, उसे चिंता नहीं है। जैसे लोग ब्रह्मा को भजें, विष्णु को भजें, शिव को नहीं भजें, उसी तरह जैसे लोग पड़ोस की काकी को प्रणाम करें, काकी जी आइए प्रणाम करो, नमन करो, सबको प्रणाम करें, पर घर की सास को कभी नहीं। सास बोले भी मत कर प्रणाम, मैं तो बैठी। तो प्रणाम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, मैं तो बैठी। अच्छा तुम पड़ोसन को कितना भी प्रणाम कर लो, पड़ोस वाली चाची को कितना भी तुम नमन कर लो, चाहे कितनी भी चाय कॉफी पिला लो, पर ईमानदारी से बोलो जायदाद का हिस्सा क्या पड़ोसन देगी? अरे बोलो तो जी जियो। अच्छे से बोलो हरदोई वालों देगी क्या? नहीं। जायदाद का हिस्सा कौन देगी? सास देगी। उसी तरह तुम ब्रह्मा को भजो, विष्णु को भजो, पर मृत्यु लोक का देवता इस पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। शंकर कहते हैं तो किसी का भी भजन कर ले, पर अंतिम समय में आना तो मेरे पास ही, भजना तो मुझे ही पड़े। पहुंचेगा तो तू मेरे पास ही, तब देखा जाए। शंकर दयालु कृपालु, ऐसी कोई भूमि नहीं जहां पर शंकर नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां शिव नहीं। तलातल में, रसातल में, आकाश में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, हर जगह पर उसी का संचार है मां, हर जगह पर वही।
ऐसा कोई भूमि कोई स्थान नहीं बताया जहां शंकर नहीं। एक बार भगवान नारायण से भगवान शंकर ने कहा, नारायण बहुत दिन हो गए आप हमसे मिलने के लिए नहीं आते, आप हमारे पास आते क्यों नहीं हो नारायण? नारायण कहते हैं, प्रभु मैं आने का तो बहुत मन करता है कि पृथ्वी पर आपसे मिलने के लिए आऊं, मेरा बहुत मन करता है। भगवान विष्णु बोले, इतना मन करता है कि मैं पृथ्वी पर आपसे मिलने के लिए आऊं, पर करूं तो करूं क्या? जब जब मैं पृथ्वी पर आता हूं और पृथ्वी पर पांव रखता हूं तो हर कंकर में मुझे शंकर नजर आए, और कंकर में शंकर दिखे तो मैं चरण रखूं तो रखूं कैसे? भगवान विश्वनाथ ने कहा, तो तुम क्या हमसे मिलने के लिए पृथ्वी पर कभी नहीं आओगे? प्रभु तो आप बताओ मैं करूं क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारायण एक काम करो, पांव रखने का काम ही खत्म कर दो, तुम कुछ ऐसे बन जाओ कि पांव रखना ही नहीं पड़े और तुम मेरे से चिपक कर रहो, तुम मेरे पास में पड़े रहो, तुम मेरे कण कण में रमे रहो, ऐसा कुछ कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने तुरंत भगवान विष्णु से काम कहा कि आप एक काम करो, जिसके पांव नहीं होते वो बन जाइए। तो नारायण ने कहा, आप बता दो क्या बन जाऊं? शंकर भगवान बोले, आप सांप बन जाइए, सर्प बन जाओ। आज भी शंकर के गले में एक सांप पड़ा रहता है, 10 सांप नहीं रहते, 2 सांप नहीं रहता, शिव के गले में मात्र एक सर्प केवल, और वो सर्प स्वयं भगवान विष्णु है, जो पांव ना रखना पड़े इसलिए भगवान शंकर के लिए भगवान नारायण सर्प बनकर उनके गले में पड़ जाते हैं, महाराज उनके गले में रहते। महाराज काल को भी अगर कोई जीतने वाला है तो एक है, वो मेरा महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शंकर का जो भगत है उसका बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, किसी व्यक्ति को अगर अटैक आता है, शुगर बढ़ती है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, तो पंडित कभी नहीं कहते कि तुम गोपाल से स्नान का पाठ करवा, पंडित कभी नहीं कहते कि तुम श्री सूक्त का पाठ करवा, पंडित कभी नहीं कह सकते कि तुम भगवान नारायण का जप करवाओ। पंडित एक ही बात कहेंगे कि अगर करवाना है तो महामृत्युंजय का जप करवाओ, क्योंकि उनको भी मालूम है कि मृत्यु लोक का देव महादेव है, इसलिए अगर यमराज भी पृथ्वी पर आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा किसको उठा कर ले जाऊं, तब शंकर यदि आज्ञा देंगे तो वो उठा सकता है, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं कि वो यमराज मृत्यु लोक के जीव को भी उठा कर ले। मृत्यु लोक का जीव भी नहीं उठा सकता, इसलिए पूरे 24,000 श्लोक में 12 खंड में शिव महापुराण के एक एक 24,000 श्लोक में 12 खंड में एक एक संहिता में शंकर के एक एक उपाय बताए हैं कि क्या करने से क्या फल की प्राप्ति हो। महाराज शिव वो करुणा से शंकर की उपासना मनुष्य को फल देती है। भगवान ब्रह्मा उतना देते हैं जितना आपके भाग्य में लिखा होता है, भगवान नारायण उतना देंगे जितनी आपकी किस्मत में लिखा होगा, पर भगवान महादेव बिना सोचे समझे बस आ गया और उसने देख लिया कि मेरे यहां आया है, दे दिया। जिस कुबेर की तुम दीपावली पे पूजन करते हो ना आप लोग, कुबेर जी महाराज, कुबेर जी महाराज, कुबेर कौन है? असली कुबेर सिंहासन पर बैठा था और एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, शिवरात्रि का दिन था, ध्यान नहीं दे पाया, ऊपर चोरी का सामान दिख रहा था तो उजाला नहीं था, अपने तन के गमछे को पिछोड़े को हेड़ कर त्रिशूल में लपेट कर दिए से आग लगाकर चारों तरफ रोशनी कर देख रहा है कि चोरी का सामान कहाँ है, चोरी की वस्तु कहाँ है। शंकर जी के मंदिर में जब वस्त्र को जलाकर अपने तन के वस्त्र को घुमाकर दिख रहा था तब बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। अरे मांग तुझे क्या चाहिए? वो कहता है, प्रभु मैं चोर हूं, मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं तो चोरी का सामान दिख रहा था। शंकर भगवान बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, उजाला करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठा देता हूं। कुबेर को कुर्सी से नीचे उतार दिया और चोट्टे को कुबेर बना दिया।
चोर को कुबेर बना दो। और आज जो सिंहासन पर हम जिस कुबेर की पूजन करते हैं वहां चोटता है, चोर है, फिर भी उसकी पूजन हो रही है। क्यों? क्योंकि शंकर ने मिटा। और शिव बिना सोचे समझे, भस्मासुर आया प्रभु दे दीजिए वर, क्या दूं, जिस पे हाथ रखू वही भस्म। उसने कहा प्रैक्टिकली यही कर, भगवान महादेव पर ही हाथ रखना चाहिए। खुद के लिए मकान बनवाया था, ये जिस लंका में लंकाधिपति रावण रहता है ये किसका था? बाबा भोलेनाथ का। पार्वती जी ने एक बार, माता पार्वती लक्ष्मी जी के यहाँ घूमने गई और लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ के पार्वती को कहा, पार्वती देख ये पर्णकोटे, देख सोने का मंडप, देख सोने के कलश, देख देख पार्वती सोने के मंडप, सोने के कलश, सोने के पर्णकोटे देख। पार्वती ने कहा मुझे क्या करना, मेरा पति तो भस्मी रमाकर जटा जूट बांध कर बैठा रहता है, मुझे क्या तेरा सोना और चांदी से मुझे कोई मतलब। देख तो पार्वती, पार्वती ने देखा। इतने में लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी तेरी भी जिंदगी बहुत बेकार है, ऐसी कैलाश पर रहती है, गुफा में रहती है, कुछ खाने का ना पीने का, और तेरा पति 24 घंटे धुनी तपने में रमा रहता है, ना तो तुझे देखे ना भाले। पार्वती ने कहा देख लक्ष्मी, तू मेरी बुराई कर ले चल जाएगा, पर मेरे पति की बुराई नहीं सुन सकती। अरे सुन तो सही, फिर बुराई करी। बार बार जब माता पार्वती ने बुराई करी क्रोध आ गया, लक्ष्मी जी ने जैसी बुराई करी पार्वती को क्रोध आया और माता पार्वती वहां से निकल कर चली गई और जाकर भगवान महादेव के पास एकदम धमक कर बैठ गई। भगवान शंकर समझ गई अपनी सखी के साथ में आई, सहेली के साथ, अभी तो गई थी बेस्ट फ्रेंड से मिलने और अभी आई और एकदम धमक कर बैठी है। शंकर जी जान का जरूर कोई बात है, बाबा भोलेनाथ जी बोले ना। पार्वती जी और पास में खसकी, शंकर भगवान थोड़े दूर खसक। जब माताओं को क्रोध आए तो पतियों से निवेदन है चुप बैठे रहे संत, क्योंकि बोलेंगे तो चार सुनना पड़ेगा, इसलिए एकदम चुप बाबा भोलेनाथ। पार्वती जी और खसकी, भोलेनाथ और खसक गए। इतने में पार्वती जी ने हाथ में एक लोटा पानी भरा शंकर जी पे चढ़ा दिया। विश्वनाथ बोले आज क्या बात है पार्वती, शाम पड़े पानी चढ़ा रही है। पार्वती जी बोली प्रभु शादी के 23 साल हो गए पर तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। भगवान भोलेनाथ जी बोले अब मांगने तो वाली है, शादी के 23 साल हो गए पर आपसे कुछ नहीं मांगा। भगवान विश्वनाथ ने कहा मांग ले, अब क्या चाहिए तुझको बोल। पार्वती जी कहती है प्रभु एक सोने का महल बनवा दीजिए और इतना सुंदर महल हो कि बेकुंठ उसके आगे फीका दिखे। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक, पर ये बता अपन तो कैलाश में रहते हैं भस्मी रमा कर जटा जूट बांधकर, तो अपने को सोने के महल की जरूरत क्या? पार्वती जी कहती है आपसे तो बस एक महल मांगा है ना, आप बस बनवा दो। विश्वकर्मा जी को बुलाया शंकर भगवान ने। इतने में पार्वती जी बोली अब आप शांत रहिए, मैं बता दूंगी कैसा बनाना, बस एक बार सुनार की दुकान पे ले जाके बिठा दो, फिर पति चुप, बाकी की इसकी आवाज जा। फिर पति ने विश्वकर्मा जी आ गए। विश्वकर्मा जी ने कहा बोलिए भोलेनाथ क्या चाहिए। शंकर भगवान ने कहा हमारी पत्नी बता रही है ऐसा महल बना दीजिए। पार्वती ने कहा बीच समुद्र में सुंदर अति रमणीय सोने का महल बनवाओ जिसकी ईंट भी सोने की हो और सोने के वृक्ष लगे हो, सोने की लताएं लगी हो, सोने के कलश, सोने के मंडप, ऐसा महल बना दो। विश्वकर्मा जी ने बना दिया, बेकुंठ से सुंदर, बेकुंठ से सुंदर बना दिया। अब पार्वती जी ने शंकर जी से कहा महल तो बन गया, अब मकान का मुहूर्त करवा। शंकर भगवान बोले मैं तो खुद वास्तु का देवता, सारी दुनिया के लोग वास्तु पूजन कराते हैं तो मुझे ही बुलाते हैं, मैं अंदर जाऊंगा गृह प्रवेश हो जाएगा, फिर अलग से गृह प्रवेश की जरूरत क्या? पार्वती जी बोली नहीं नहीं ऐसे कोई गृह प्रवेश होता है, सबको बुलाओ और गृह प्रवेश करो। शंकर भगवान समझ गए इसकी बेस्ट फ्रेंड को बुलाने की तुक में है और उसी को दिखाना है, आप सबको बुलाइए और वास्तु पूजन कराइए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, बुलाया। पार्वती जी ने पत्र लिखा और भगवान नारायण के लिखा सा परिवार,
तो शंकर जी पीछे से बोले इनके यहाँ सपरिवार लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि भगवान विष्णु को तो श्राप लगा है कि तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी। जब नारायण को श्राप लगाए औलाद नहीं होगी तो उनके यहाँ औलाद है नहीं, दोनों जनी है, लिख दे श्रीमान श्रीमती। नहीं नहीं, सपरिवार भूले से अगर एकाध रह गया तो कम से कम सब आ तो जाएंगे। पत्र दिया नारद जी को, नारद जी को लेकर भगवान विष्णु के भेजा, नारायण के हाथ में पत्र लगा। नारायण के हाथ में जैसे ही पत्र लगा तो नारायण ने पूछा क्या हुआ, तो कि शंकर जी के मकान का मुहूर्त है। इतने में भगवान नारायण तुरंत बोले, लक्ष्मी तैयार हो, जिंदगी में पहली बार महादेव ने अपने लिए कुछ बनवाया, जल्दी चल। लक्ष्मी जी बोली, मेरे तो सिर में दर्द है, क्योंकि लक्ष्मी जी समझ गई महल बनवाया होगा तो जोरदार बनवाया होगा और मुझे दिखाएगी। तो लक्ष्मी जी बोली, मेरे तो सिर में दर्द है। भगवान बोले, नारायण बोले, लक्ष्मी शंकर जी क्या पहली बार तो कोई काम पड़ा, चलो तैयार हो जल्दी से। लक्ष्मी जी को तैयार होकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान नारायण निकले। इतने में विश्वरवा ऋषि भगवान शंकर से बोले, विश्वरवा जी जल्दी करिए, मुहूर्त निकल रहा है मकान का, जल्दी करो। तो भगवान शंकर बोले, चलो पार्वती चलिए जल्दी से, मुहूर्त निकल रहा है। पार्वती जी बोली, चलने को तो चल चलो, पर मेरी सहेली है, सहेली का इंतजार करा। जैसे ही पार्वती जी ने लक्ष्मी को देखा प्रसन्न हो गई, बस 5 मिनट में चल रही। और जैसे ही लक्ष्मी नीचे उतरी, लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर पार्वती जी ने कहा, देख लक्ष्मी, सोने के पर्ण कोटे देख, सोने के महल देख, सोने का मंडप देख, सोने के कलश देख, और सुन लक्ष्मी, तेरे को शर्म नहीं आती, दोनों पति पत्नी मिलके एक ही पक्षी पे चढ़ के आ गए, ये बेचारे के प्राण लोगे क्या कि दम निकालोगे। इतने में तुरंत लक्ष्मी जी ने कहा, तू मेरे पति के लिए अपशब्द मत बोल। पार्वती जी बोली, तू बोली तब, तू भी तो बोली थी। इतने में दोनों जो झगड़ने के लिए बैठने ही वाली थी, इतने में शंकर जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा, ले जाकर पूजन में बिठाया और लक्ष्मी जी को नारायण लेकर गए। पूजन होते से ही भगवान शंकर के मन में आया, अभी तो मकान बन के तैयारी हुआ है और इतना विवाद चालू हुआ, अगर इसमें रहना चालू कर दिया तो कितना विवाद होगा। शंकर भगवान ने तुरंत ऐसी लीला रची कि विश्वरवा जी की जमाई लेते लेते विश्वरवा जी के सिर पे हाथ रख दिया। अब विश्वरवा ऋषि ने जैसे ही पूजन कराई और पूजन कराने के बाद शंकर भगवान ने कहा, मांगो विश्वरवा जी, क्या चाहिए। विश्वरवा जी बोले, महाराज जी आपसे क्या मांगू, मांगू तो माता पार्वती से, क्योंकि महल तो उन्हीं का। पार्वती जी ने कहा, महल को तो देखना ही मत, पहले ये बताओ चाहिए क्या, तुम्हें दे क्या। विश्वरवा जी पहले, माँ पहले ये बताओ, सौगंध खाइए भोलेनाथ की कि जो मांगूंगा देना पड़ेगा। पार्वती ने कहा, आज मेरे मकान का मुहूर्त है, इतनी प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग। विश्वरवा जी ने कहा, माँ मुझे ये महल बहुत अच्छा लग रहा है, ये दे दीजिए। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर बोली, जिंदगी में पहला तो बनवाया, दुनिया वालों के लिए ढेरों बनवा दिया, पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं बनवा दिया। अच्छा, बड़ी आफत होती, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और कहीं घूमने के लिए गया अपनी धर्मपत्नी के साथ, और उसमें भी 50 खून आ जाए तब धर्मपत्नी का मुंह तबेला जैसा हो जाता, फंस गया। अब तो बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दीजिए, थोड़ी देर बैठे हो मेरे साथ में, अपन घूमने के लिए आए हैं, अपन आनंद के लिए आए, और उसमें भी तुम लेकर बैठे हो। अब माता पार्वती को क्रोध आया, माता पार्वती ने बोला, जिंदगी में तो एक तो महल बनवाया और ऊपर से वो भी विश्वरवा जी ने मांग लिया। आंखों में आंसू भरकर पार्वती जी रोती रोती बोली, मैं तुझे श्राप देती हूं, आग लगे इस महल में, कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, मेरा महल तूने रखा। और वही हुआ, विश्वरवा जी ने लंकाधिपति रावण को दिया, उसमें आग भी लगी और दिया जलाने वाला भी। महाराज बिना सोचे समझे दे, ले जाओ, क्योंकि महादेव है देव, अधिदेव महादेव, जो अमृत पीते हैं वो देव हैं और जो विष पिए वो महादेव है, स्वयं देने वाला, ले जाओ, तुम्हें क्या चाहिए। कितना सुंदर प्रसंग है साहब, दुनिया के लोग यहां वहां भटकते हैं, शिव महापुराण में लिखा है ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी इलाज शिव महापुराण में, ऐसा कोई रोग। दुनिया के लोगों को आजकल एक बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर, डॉक्टरों के पास जाते हैं,
इलाज करवाते। कैंसर तक का रोग शिव महापुराण में लिख दिया वेदव्यास जी ने कि जहां शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ है, शिव और सती की जहां पर भावर डली, त्रिजुगी नारायण आज भी वो स्थान है पृथ्वी पर। केदारनाथ जी से गोरीकुंड आइए वापस नीचे, गोरीकुंड से 12 किलोमीटर लेफ्ट में जाइए, त्रिजुगी नारायण जहां सती और शिव की भावर डली थी, आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि वहां पर प्रकट है। आज भी वो आग आज तक लगी हुई है जिसके भावर ली थी शंकर और सती ने। माता सती के चलने से सती माता की एड़ी से 7 कुंड हो गए थे। उन 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के लियाओ, कैंसर के मरीज को 15-20 दिन तक पिलाओ, कैंसर के रोग की बीमारी ठीक होना चालू हो जाती है। आज भी नियम है, आज भी। महाराज गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने कथा करवाई गोरखपुर में, श्री हनुमान प्रसाद जी पौधर की स्वर्ण जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा गुरुजी गीता प्रेस के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, आप चलिए। देखने गए, मरीजों से मिले। अग्रवाल जी वहां पर अध्यक्ष हैं गीता प्रेस, कोई गोयल जी करके हैं अध्यक्ष। हमने कहा गोयल जी ये कैंसर हॉस्पिटल में आप इलाज कर रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, सब ठीक है, पर शिव महापुराण में सती की जहां पर विवाह हुआ था त्रिजुगी नारायण का महत्व है, अपन थोड़ी थोड़ा जल औषधि के रूप में प्रातः के समय पर इन मरीजों को भी दे। कभी आप लोग गोरखपुर जावे कैंसर हॉस्पिटल में पता करना, उस दिन से लेकर आज तक शिव महापुराण की कथा से जो क्रम चालू हुआ, थोड़ा थोड़ा जल देते देते आज कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा अगर ठीक हो रहे हैं तो जितने मुंबई में नहीं उतने गोरखपुर में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस त्रिजुगी नारायण का जल प्रदान किया है। दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य जो शंकर ने नहीं करा हो? 33 कोटि देवताओं में सारे देवता अगर किसी का ध्यान धरते हैं तो वो महादेव का धरते हैं, भगवान शिव। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। हमारे बीच में अग्रवाल जी विराजे हैं मथुरा वाले, हमारे अग्रवाल जी के BIG साहब। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण की यहां औलाद नहीं हुई, संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने द्वारका में गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, और द्वारका में गर्गाचार्य जी को बुलाकर पूछा, गर्गाचार्य जी आप बताइए कि मेरे यहां औलाद नहीं है, मैंने एक विवाह नहीं 16,108 रानियों से विवाह करे पर मेरे यहां औलाद नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा आप कृपा करिए हमको बताइए हमारे यहां औलाद कैसे होगी। तब भगवान गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, शंकर जी ने कहा, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ मेरे 11-11 दिन तक अभिषेक करा है, जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 औलाद हो। कितनी कितनी संतान? 11-11, एक भी नहीं थी, 1,77,086 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर जी की कृपा से। कितने? जम के बोलो जरा, 1,77,086 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, एक एक रानी से 11-11, 10 लड़के 1 लड़की, इतने बच्चे किसकी कृपा से हुए? अरे जम के तो बोलो, महादेव। इतना कृपालु, इतना दया, इसलिए हर हर महा। अच्छा जम के बोलो दोनों हाथ उठा के, देव
जब हाथ अपन ऊपर करते हैं देव तो वो देखता है, और याद रखना भगवान विष्णु को तो धीरे से भी जय बोल देंगे, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, पर शंकर जी के लिए जम के जय बोलना पड़ता। क्यों? क्योंकि सारे देवताओं तो नीचे आराम से बैठते हैं, ये सबसे ज्यादा ऊपर बैठता है, जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है, वो ज्यादा ऊपर बैठा है ना, तो कोई पानी की टंकी पे चढ़ा हो और तुम धीरे से बोलो अरे ओ लल्लू, कोई नीचे उतरेगा? जम के बोलना पड़े लल्लुआ, तब नीचे उतरे, तब नीचे उतरे, तो बोलो जम के हर हर। अभी आवाज नहीं आई, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के जम के महादेव नहीं बोले उसे उठा लीजिए, बोलो हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया, अभी जाना नहीं चाहते, वैसे भी शंकर की कथा में बैठे हो, तुम्हारा अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पक्का हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर शिव नहीं, शंकर नहीं, जहां पर करुणा सागर भोलेनाथ नहीं, सर्वस्व। महाराज अगर तिरुपति में नारायण भगवान आकर बैठे तो पूछा भोलेनाथ मुझे तप करना है कहां बैठूं, तो के तिरुमाला में बैठा, लोग परेशान करेंगे, भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम तिरुमाला में बैठो, मैं कपिलेश्वर के रूप में नीचे बैठ के तुम्हारी रक्षा करूंगा। नाथुद्वारा में गोवर्धन नाथ जी जब पहुंचे श्रीनाथ जी की मूर्ति, तो श्रीनाथ जी ने पूछा भोलेनाथ मैं कहां पर रहूं, शंकर भगवान ने कहा आप मारवाड़ की भूमि में नाथ द्वारा में रहो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करूं। ऐसी कोई भूमि बताओ जहां शिव ना हो, शंकर ना हो। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है, दुनिया को शनि लगता है, शनि को शंकर। शनि महाराज को जब श्राप दे दिया, शनि महाराज सारी दुनिया में घूमते रहे, कहां जाऊं, देव ऋषि नारद ने कहा एक काम कर, कुछ मत कर, गंगा जी के घाट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण कर और उसकी पूजन कर। जो काशी में शिवलिंग का निर्माण है वो शनि महाराज ने करा, काशी का जो शिवलिंग है काशी विश्वनाथ का, वो शनि महाराज के हाथ, गंगा जी के घाट पर शिवलिंग का निर्माण करके उसके पूजन कर। शनि महाराज ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, शंकर भगवान ने आकर दर्शन दिया, बोलो क्या चाहिए, शनि महाराज के मेरा पांव टूट गया है, कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा लचक तो रहेगी तेरे पांव में और तू विकलांग नहीं माना जाए। शनि महाराज के पांव को स्वयं शिव ठीक कर दिए। आज भी नियम है जिसको 7.5 ढैया कुछ भी लग जाता है, एक काजल की डब्बी को ले लो, उसके ऊपर से 21 बार उतार लो, जहां पर एकांत में जाकर किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उस काजल की डिब्बी को धुआ दीजिए, शनि लगा हुआ भी समाप्त हो जाएगा महाराज, शंकर की कृपा इतनी। आज भी शनि, दुनिया को शनि लगे, शनि को शिव लगता, केवल एक देव अधि देव महादेव। कितना बड़ा परिवार है शंकर जी का, किसी देवी देवता का इतना बड़ा परिवार नहीं, और परिवार में शांति भी कितनी। किसी के घर में 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे रहते हैं तो विवाद होता है, शंकर जी के घर में 13 बच्चे हैं, शिव जी के कितने बच्चे, 13, 7 लड़के 6 लड़की। भगवान भोलेनाथ, और 13 बच्चे होने के बाद में भी संबंधियों से संबंध निभाया, ने बियाई ने रिश्तेदार ने दादा ने पोता सब शंकर जी के यहां, कोई शंकर भगवान सहज है क्या, देव अधिदेव महादेव। महाराज एक बार ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न है, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा नारायण मेरी उत्पत्ति तो आपसे हुई है, ब्रह्मदेव कह रहे हैं नारायण मेरी उत्पत्ति आपसे हुई है, पर आपकी उत्पत्ति कहां से, आपके पिता का नाम क्या, आपके बाप का नाम, आपके पिताजी का नाम है क्या। भगवान नारायण
और यही बात एक बार शंकर जी के सामने भी आई थी। शंकर जी की जब शादी हो रही थी ना विवाह, तो पंडित जी विवाह कराते हैं तो संकल्प छुड़वाते हैं, तो संकल्प में पार्वती के पास में शंकर जी बैठे थे और पंडित जी ने पूछ लिया संकल्प में, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, गोत्र, अरे बोलो तो शंकर। अब इतने में जैसे ही शंकर शंकर बोला तो पंडित जी को आ गया गुस्सा, शंकर जी ने हिमालय राज को बुलवाया, कहीं से पीनी के आया, ये कहीं का गंजेड़ी भंगेड़ी है, क्या कर रहा है, नशे में धुत है ये। इससे पूछा इसके पिताजी का नाम तो शंकर बताया, इसके दादाजी का नाम तो शंकर बताया, गोत्र पूछा तो शंकर बताया, इससे असली नाम पूछो। तो इतने में हिमालय राज पंडित जी से बोले, हम जमाई से कैसे पूछें, तुम तो पंडित हो तुम पूछो। पंडित जी ने फिर संकल्प लिया, कन्यादान का संकल्प है, देखो जजमान अच्छे से बोलिए, नाम शंकर, पिता का नाम शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित जी उठ के खड़े हो गए, ऐसी शादी हम नहीं करा सकते, ये हमारी हंसी उड़ा, ये हमारी हंसी उड़ा रहा। इतने में पार्वती जी बाजू में बैठी थी, शंकर जी के मुंह ढका हुआ था, पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु शादी क्यों नहीं हो जान देते अच्छे से, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। शंकर भगवान बोले, मैंने क्या बिगाड़ा बता, तो तुम अपने पिताजी का नाम तो बताओ। पार्वती जी ने जैसे कहा, शंकर भगवान बोले, बाप हो तो बताओ, यहां तो बाप ही नहीं। तो फिर पंडित जी संकल्प छुड़ा रहे तो क्या होगा भगवान, अब तो पंडित जी चले गए। शंकर भगवान ने कहा, तू काय को चिंता करती, पंडित जी चले गए अब भी दौड़ के आएगा। इतने में शंकर भगवान ने गले में से बब्बा उतारा और बब्बा को उतार के कहा, जा तो जरा पंडित को लेके आ। और जो बब्बा पहुंचा ने पंडित जी की धोती में भराया, पंडित जी दौड़ तुरंत विवाह के मंडप में, और जो विवाह के मंडप में बैठे नॉन स्टॉप मंत्र और ऐसे ऐसे मंत्र बोले, बोले जाए। शंकर भगवान की पूरी भावर हो गई, शादी हो गई, मांग भर गई, मंगलसूत्र पहना दिया, पंडित जी ने मंत्र बोलना बंद नहीं करा। इतने में पार्वती जी बोली, मर जाएगा बेचारा बाप बड़ा, ए वो मर जाएगा, ए पंडित मर जाएगा, भोलेनाथ शादी बिगड़ जाएगी। शंकर भगवान बोले, अब जितनी भी रस्म है सब हो जान दे एक साथ, फिर बाद में स्टॉप की बटन दबा तो ब्याह हो जान दे। अरे भोलेनाथ मर जाएगा। शंकर भगवान बोले, तू चलने दे बस। और जैसी पूरी शादी हुई, पार्वती ने विनती करी, प्रभु कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने जमाई लेते लेते एक हाथ जो पंडित जी पे धरा, पंडित जी चुप, जैसे चुप हुए हिमालय राज ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपने शादी कराई है, दक्षिणा क्या दूं बताइए। पंडित जी बोले, मेरे घर छोड़ दिया और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार घर छोड़ दो, दूसरी बार नहीं आऊंगा और कभी शादी कराने नहीं जाऊंगा, मेरे घर छोड़। देव अधिदेव महा ब्रह्मा जी करें भगवान विष्णु से, नारायण जी आपके पिता कौन है। भगवान विष्णु बोले, मेरा तो पिता भगवान शिव। ऐसे कैसे पिता, चलो तुम्हारे पिता को जानने के लिए एक विशालतम पर्वत था, उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, इतना घुमाया पर्वत को, इतना घुमाया कि पर्वत ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न हो गई, एक प्रतिबिंब की आकृति, एक लिंगायत आकृति जब प्रकट हुई, उस आकृति को प्रकट देखकर भगवान शंकर की आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मदेव इस सृष्टि का संहार करता मैं ही हूं और भगवान नारायण का पिता भी मैं ही हूं, जन्म मैंने दिया है मृत्यु भी मैं ही देता हूं, जल में मैं हूं तो थल में भी मैं ही रहता हूं, वायु चर संचार में भी मैं ही निवास करता हूं। भगवान इतना बोले तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि अब लिंगायत आकृति तो प्रकट हो गई, पर भगवान विष्णु से कहा, एक काम करते हैं, अपन पता करते हैं कि भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है, ये शिवलिंग के चरण कहां है और इस शिवलिंग के सिर कहां पर। शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग जो रखा रहता है, उस शिवलिंग का चरण और सिर सांसारिक मनुष्य के जानने से परे है, जानने भगवान शंकर का इस शिवलिंग को जो प्रकट कराए, शिवलिंग का सिर कहां है, इसका चरण कहां है, जरा पता करिए। तो भगवान
ब्रह्मदेव ने नारायण से कहा, नारायण जी आप कृपा करिए, या तो आप चरण देखने के लिए जाइए या आप सिर देखने के लिए जाइए। भगवान नारायण ने कहा, अगर शंकर मेरे पिता हैं तो मैं पिता के चरण देखने के लिए जाऊंगा। भगवान कहते मैं पाताल में जाऊंगा, ब्रह्मा जी बोलते मैं आकाश में जाऊंगा। ब्रह्मदेव आकाश की ओर बढ़ गए और भगवान विष्णु पाताल की ओर बढ़ गए। नारायण नीचे गए, जाते गए जाते गए, पर नारायण को चरण नहीं मिले। नारायण को तो मालूम था कि मिलने वाले है ही नहीं, नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मदेव जाते गए, सिर नहीं मिला, और ऊपर गए, सिर नहीं मिला, और ऊपर गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सिर तो मिल नहीं रहा, करूं क्या? केतकी का पुष्प लगा था, काय का फूल है, जम के बोलो जरा, केतकी, केतकी का पुष्प। और केतकी के पुष्प को भगवान ब्रह्मदेव ने तोड़ लिया और तोड़कर कहा, केतकी के पुष्प तू मेरे साथ चल, और पृथ्वी पर चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर का सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर देख लिया। केतकी का फूल बोला, ब्रह्मदेव मैं चल के बोल तो दूंगा, पर झूठ बोलने से मेरा लाभ क्या, मेरा फायदा क्या? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई लाभ हो। आप बताइए, मैं झूठ बोलूं तो उसमें मेरा लाभ क्या? भगवान उसी समय पर ब्रह्मदेव ने कहा, केतकी के पुष्प मैं तुझे सारे देवताओं पर चढ़वाऊंगा, 33 कोटि देवताओं पर तू समर्पित होगा, सारे देवताओं पर तू चढ़े सब ठीक है, मैं तुझे सुगंधित बना के रखूंगा, ठीक है, चलिए अब मैं बोल दूंगा। पर केतकी का फूल बोला, अगर शंकर जी ने या भगवान विष्णु ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा? इतने में भगवान तुरंत बोले, एक काम करते हैं, सामने से गाय निकल कर जा रही थी, गौ माता को रोक लिया, ओ गौ माता रुकिए। गौ माता ने पूछा, ब्रह्मदेव क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले, एक काम करिए, हमारे साथ नीचे चलिए और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह दो कि ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गाय बोली, मैं काय को झूठ बोलूं, उसमें मेरा क्या लाभ है? ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता अगर पृथ्वी पर चलकर भगवान नारायण के सामने अगर तुम झूठ बोल दोगी तो एक झूठ बोलने पर हम तुम्हें घर की सबसे पहली रोटी जो बनेगी वो तुमको ही दिलवाएंगे। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। ठीक है, चलिए। भगवान ब्रह्मा नीचे सबको लेकर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मदेव आपको शंकर जी का सिर मिला, शिवलिंग का कहीं मस्तक मिला? ब्रह्मा जी बोले, नारायण आप बड़े हो, पहले आप बताओ कि भगवान के चरण मिले। अब देखो, भगवान नारायण की कृपा देखिए, नारायण को तो सत्य बोलना था क्योंकि उनका नाम ही सत्य नारायण था। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मदेव हमको तो भगवान शंकर के शिवलिंग का कोई चरण मिला ही, हमको चरण नहीं मिला। अब सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सत्य अगर एक बार बोल दिया जाए तो उसको बताया नहीं जाता बार बार कि उससे पूछा जाए, उससे बताओ, उससे पूछो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान नारायण ने एक बार सत्य बोलकर सब टोटे को मिटा ही दिया, ये हमने सत्य कह दिया, हमें चरण नहीं मिले। ब्रह्मदेव आपको क्या सिर मिला? इतने में ब्रह्मा जी बोले, मेरे को सर मिला है, ना मानो तो आप इस केतकी के फूल से पूछ। भगवान नारायण ने पूछा, क्यों केतकी के पुष्प, क्या भगवान का सिर ब्रह्मदेव को मिला? केतकी का फूल बोला, भगवान के ब्रह्मा जी के 5 मुंह हैं और 5 मुख से अगर देखने जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान ब्रह्मदेव को शंकर का सिर मिल गया। इतने में शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई और शंकर के शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव तुम भी झूठ बोल रहे हो और ये केतकी का फूल भी झूठ बोल रहा है। झूठ बोल, ब्रह्मदेव ये केतकी का पुष्प झूठ बोल रहा है। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, यह आकाशवाणी झूठी है, केतकी का पुष्प बोलता है, यह आकाशवाणी झूठी है। तो ब्रह्मदेव ने केतकी के पुष्प के सम्मुख में कहा, नहीं ये सत्य है। शंकर भगवान बोले, ब्रह्मदेव ये केतकी का पुष्प झूठ बोलता है, मैं श्राप देता हूं केतकी के पुष्प तुझे कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी के पुष्प तो शिव को समर्पित हो जाएगा तो 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर दोष लग जाएगा।
महाराज शंकर भगवान पर सारे फूल चढ़ जाते हैं, सारी पत्तियां चढ़ जाती है, पर एक पुष्प है केतकी का जो शिव पर कभी नहीं चढ़ती। केतकी का फूल शंकर पे चढ़ेगा ही, क्योंकि केतकी के पुष्प के चढ़ने से 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर दोष लग जाता है। केतकी के पुष्प का इतना, केतकी के पुष्प को श्राप लगा। इतने में गौ माता को देखकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, गाय तुम बताओ कि मुझे शीश मिला कि नहीं मिला। गौ माता ने कहा, ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। इतने में आकाशवाणी हुई, गौ माता तू जगत की माँ होकर तू झूठ बोलती है कि सिर मिल गया। हे गौ माता, तू जगत की माँ है, तूने आज महादेव के सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। आज भी गौ माता का पूरा शरीर पूजा जाता है, पर गाय का मुंह अपूज्य माना जाता है। गाय किसी बर्तन को अगर मुंह लगा देती है तो उस बर्तन में 7 दिन तक गंगा जल भर के रखना पड़ता है, 14 बार उसे अग्नि में तपाना पड़ता है, 5 दिन तक सरयू का जल उसमें भरकर रखना पड़ता है, फिर 3 दिन तक लगातार कोरी राख से भस्म से मांजना पड़ता है, तब जाकर वो बर्तन शुद्ध हो पाता। अगर गाय किसी बर्तन को मुंह लगा ले तो भी वो बर्तन भगवान की सेवा में नहीं जाता, घर में काम में आ सकता, क्योंकि गौ माता ने झूठ बोला। और एक जगह झूठ नहीं बोला गौ माता ने, 2 जगह पर झूठ बोला। एक जगह बोला शंकर जी के सामने, और दूसरी बार राम जी के साथ में सीता जी वन को गई तो फाल्गु नदी के तट पर गया जी पर जब पहुंची, फाल्गु नदी के तट पर जब राम सीता लक्ष्मण पहुंचे, दशरथ जी के प्राण छूट चुके थे और राम सीता स्नान कर रहे थे। दशरथ जी ने कहा, राम मुझे पिंड दान दे दो नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। राम जी ने कहा, पिताजी पिंड? हाँ पिताजी, पिंड तो अन्न का बनता है, कोई आटे का कोई चावल का बनता है, और मेरे पास अन्न नहीं है। राम तुम जल्दी से पिंडदान दो नहीं तो मैं नरक चले जा। राम जी बोले, पिताजी आप कल पिंड लेकर जाना, मैं दे दूंगा। दशरथ जी चले गए, दशरथ जी गए, दूसरे दिन माता सीता स्नान कर रही थी, राम भिक्षा मांगने के लिए गए। इतने में दशरथ जी फिर आ गए, बहू हमको पिंडदान दे दो नहीं तो हम नरक चले जाएंगे। सीता जी ने कहा, पिंड तो हमेशा बेटा देता है, मैं तो बहू हूं कैसे पिंड दे सकती हूं, मैं पिंडदान करूं तो करूं कैसे। दशरथ जी ने कहा, बहू कोई बात नहीं, बहू भी पिंड दे सकती है, तुम दे। सीता जी ने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी बताओ अपने ससुर को पिंडदान करना है क्या करूं। ब्राह्मण ने कहा, एक काम करो, ये फाल्गु नदी की बालू रेत का पिंड बना। फाल्गु नदी की बालू रेत का पिंड बनाया, एक पिंड ब्राह्मण को दिया, दूसरा पिंड गौ माता को दिया, तीसरा पिंड फाल्गु नदी को दिया, चौथा पिंड दशरथ जी को दिया, और दशरथ जी पिंड लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आए, राम जी ने कहा, सीता ये चावल लीजिए और पका लीजिए। सीता जी ने कहा, स्वामी पिंडदान तो मैंने कर दिया, आप ना मानो तो पूछ लो पंडित जी से, क्यों ब्राह्मण देवता क्या सीता जी ने पिंडदान करा है। ब्राह्मण ने राम जी के हाथ में चावल देखे तो ब्राह्मण ने कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया। ब्राह्मण जी जैसे ही झूठ बोला तो माता सीता ने कहा, ब्राह्मण देवता आपने पिंडदान करवाया और आप झूठ बोल रहे हो। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको श्राप देती हूं कि तुम कितना भी जोड़ लेना, तुम्हारे यहां हमेशा कमी ही पड़े। ब्राह्मण को श्राप दिया। थोड़ी देर बाद माता सीता ने गौ माता से कहा, गौ माता एक पिंड तुझको दिया है, तू बोल मैंने पिंडदान किया है, बोल। तो गौ माता सीता जी की बात ना मानकर, गौ माता ने राम जी के हाथ में जब चावल देखा तो सीता जी की बात न सुनकर गौ माता ने कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। फाल्गु नदी पर माता सीता ने श्राप दे दिया, गौ माता तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाए। शंकर जी ने तो श्राप दिया ही था माता गौ माता को, पर सीता ने भी श्राप दिया। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, अन्न दान, वस्त्र दान, कन्या दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, सारे दान आगे से। हिंदू धर्म में केवल एक दान होता है जो पीछे से होता है, वो गौ माता का दान। गाय का दान कभी आगे से नहीं होता,
गाय की पूंछ पकड़कर दान किया जाता है। और हिंदू धर्म की रीति है गौदान करने के बाद जो गाय का दान देता है वो गाय के सामने से परिक्रमा पूरी नहीं करता, पीछे से गौदान कर गाय के नीचे से निकलकर परिक्रमा को पूरी करना पड़ता है। अगर गौदान करने वाला व्यक्ति गाय की परिक्रमा पूरी लगा लेता है तो 7 पीढ़ी में किसी ने गौदान करा होता है तो वो निष्फल हो जाता है, उसका कोई पुण्य नहीं माना। इसलिए गौदान का नियम है कि गाय की पूंछ पकड़कर दान करो और गाय के पीछे से चलकर नीचे से निकलकर पीछे आकर खड़े हो जाओ, गाय की पूरी परिक्रमा हो जाती है। वैसे आप गाय की पूरी परिक्रमा लगाओ मना नहीं है, पर गौ माता का जिस दिन दान दिया जाता है उस दिन गाय के सामने नहीं जाया जाता, पीछे से निकलकर नीचे से निकलकर पीछे आया जाता, सारे दान आगे से गौ दान पीछे, सारी परिक्रमा आगे से गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती। तूने झूठ बोला। इसलिए महाराज कई मारवाड़ में, राजस्थान में, गुजरात में आदि अधिक जगहों पर आपने देखा होगा, आपके यूपी में भी आपने देखा होगा कि गौ माता के लिए घर के जो बाहर है एक छोटा सा पत्थर का ऐसा कठोता रखा जाता था। आप लोगों के भी रखते होंगे, पहले बर्तन नहीं रखते थे, ऐसा पत्थर का बना देते थे कुंडा जैसा, कोई भी घर का सामान निकला उसमें डाल गए, गाय आती खाकर चली जाती, पर बर्तन नहीं रखते, क्योंकि अगर गाय बर्तन को मुख लगा दे तो फिर वो भगवान की सेवा में नहीं जा सकता, वो घर में मान्य नहीं। तू झूठ बोली है गौ माता। शंकर भगवान कहते हैं मेरा श्राप है गौ माता, तेरा मुख आपूज रहे, आपूज। अभी भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी, ब्रह्मदेव भगवान शंकर को जल प्रिय नहीं है, शंकर को बेलपत्र प्रिय नहीं है, अगर मेरे विश्वनाथ को सर्वाधिक प्रिय है तो सत्य प्रिय है। क्या प्रिय है? सत्य। इसलिए शंकर जी में बोला जाता है सत्यम शिवम, भगवान को सत्य की प्रधानता। भगवान शिव को जिसके पास में सत्य है वहां शिव। इसलिए पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी, पहले के समय में जो गांव के बुजुर्ग होते थे बैठते थे निर्णय देने से पहले उसको ले जाकर खड़ा कर देते थे शंकर के मंदिर में, उठा गंगा जली और कह दे मैंने ऐसा नहीं किया। तो गंगा जली उठाने का मतलब ही होता कि शंकर को हाथ में उठा लेना। अगर शिव के मंदिर में, शंकर की कथा में, शिव की चौखट पर अगर व्यक्ति जिंदगी में एक भी झूठ बोल लेता है तो उसका बुढ़ापा बड़ा सड़ सड़ के निकलता है महाराज। इसलिए शिव की चौखट पे लोग ले जाते थे, चल शिव मंदिर में और उठा गंगा जली और कह दे मैंने ऐसा नहीं करा। कोई नारायण के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर में ले जाकर संकल्प नहीं दिलाते थे, लोग कहते थे शिव मंदिर में चल, शंकर के मंदिर। बहुत कठिन, क्योंकि वो सत्य है, वो सहज है, वो आनंद है, शंकर जैसा कोई दयालु नहीं। शास्त्र कहता है भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ ताली सेवा देते से कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई दोनों हाथों से ताली से बजे। ताली बजाने से पाप निकल जाता, जो नहीं बजाता
पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है। ट्रांसफर करिए। बाबा रामदेव कहते हैं ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर होता है। ताली का नाद करने से शरीर की जो चोक नाड़ियां हैं वो खुल जाती हैं। इसलिए आधा घंटा प्रतिदिन ताली बजाना चाहिए। और घर में समय ना मिले तो शिव महापुराण में जितनी देर आओ भजन हो उतनी देर दोनों हाथों को यो हो। अगम निगम के भेद ये बोले शिव का डमरु डम डम बोले अगम निगम के भेद ये बोले शिव का डमरु डम डम बोले अगम निगम के भेद ये बोले शिव का डमरु डम डम बोले अगम निगम के भेद ये बोले डमरु बजाने वाला कोई नहीं ऐसा डमरु बजाने वाला दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए जब करमट बदले आप चमकते अगले पिछले आया जब जब करमट बदले आप चमकते अगले पिछले ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं ऐसा जोग जगाने वाला बोले नाथ से मेरा लाल यहाँ तो बोले नाथ से मेरा लाल यहाँ तो शंभुनाथ से मेरा लाल यहाँ तो नहीं शंभुनाथ से मेरा लाल यहाँ तो
हर हर महादेव। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव से निराला कौन। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव ये आकाशवाणी झूठी है, मान लो। ब्रह्मा जी बोले, ये आकाशवाणी झूठी है जो आप कर रहे हैं। शंकर को झूठला रहे, शिव को झूठलाया जा रहा। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने अपने पांव के अंगूठे को उठाया और पांव के अंगूठे का नखून तोड़ा, शंकर जी ने फेंक दिया। जैसे ही भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नखून को फेंका, फेंकते ही उसमें से काल भैरव प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुआ? काल भैरव। और काल भैरव प्रकट हुआ और शंकर भगवान ने कहा, काट दे इस ब्रह्मा का सिर, काट, ये झूठ बोल रहा, इस ब्रह्मा के मस्तक को काट दिया। काल भैरव ने अपने पांव की चीटी उंगली के नख को तोड़ा और चीटी उंगली के नख को तोड़कर काल भैरव ने जो फेंका, तो ब्रह्मा का जो मुंह से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे वो सिर कट गया। जैसे ही कटा, शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, कई कोसों दूर तक मस्तक लुढ़कर तो भी वो सिर में से आवाज आ रही कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि शंकर जी की आकाशवाणी नहीं है, ये झूठी, अभी भी झूठ बोल रहा है। क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर असत्य को प्रमाण बहुत चाहिए। असत्य को महाराज कई कई बार हो जाता है। एक जगह गए, हमने कहा भाभी जी आप तो कथा में ही नहीं आ रही हो। अरे गुरु जी, बच्चों की पढ़ाई का टाइम चल रहा है, पेपर चल रहे हैं बच्चों के, इसलिए कथा में नहीं आ रही। आप आना घर, ठीक है। उनने लड़कों को भेज दिया, हम उनके घर गए। घर गए तो हमने बच्चों से पूछ लिया, क्यों रे परसों का पेपर कैसा गया? तो के पेपर तो हमारा मार्च में, अभी कोई पेपर चल रहा है। इतने में भाभी जी अंदर ले गई बच्चे को, दो चार चुप, अब मत आना बाहर, गुरु जी बहुत प्रश्न कर। क्यों झूठ महाराज? सत्य बोली। दुनिया के लोग सत्य कब बोलते हैं? अंतिम समय में जब अर्थी को उठाते हैं। क्या बोलते हैं? अरे जम के तो बोलो, राम नाम सत्य। और हम शिव महापुराण में कहते हैं, किसी के यहां दिवाली मिलने जाओ, हैप्पी दिवाली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर बोलिए सेठ जी राम नाम सत्य। करंट लग जाएगा, सेठ नीचे गिर जाएगा, क्यों रे मेरा बुरा चाहता? नहीं नहीं, लोग मरने के बाद कहेंगे राम नाम सत्य है, तब सत्य नहीं बोल पाओ। आज मौका है, सत्यमय जीवन को जियो तो शिव मिलेगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा, अपने आप सुंदर होगा। महाराज सत्यम शिवम, अपनी जिंदगी को सत्यमय जी, अपने जी बोलेंगे। कई लोग पूछते हैं महाराज, बहुत प्रश्न करने वाले बहुत लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा, गुरु जी जब कोई मरता है तो उसके ऊपर तीन चीजें फेंकी जाती है, एक फूल, एक मखाना, एक पैसा, इधर फेंकते कि नहीं फेंकते? अरे बोलो तो फेंकते। क्या कहते? राम नाम सत्य। तो ये तीन चीजें क्यों फेंकी जाती है? हमने कहा भैया, गरुड़ पुराण के पांचवें अंश में लिखा हुआ है, फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंकते हैं क्योंकि पूरा परिवार फूला हुआ छोड़कर गया, पैसा क्यों फेंका जाता है? हमने कहा भैया, पैसे का गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर पैसे का हम हमारे मन से कह सकते हैं कि मरने वाले के ऊपर पैसा इसलिए फेंका जाता होगा कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर के अब तेरे बाप में दमो तो उठा के बता दे, उठा, पूरा जीवन जोड़ा। सवेरे 8 बजे से दुकान पे जाके बैठता था तो रात के 10-10 बजे तक फुर्सत नहीं मिली, कमा कमा कर रह गया, दो रोटी खाने की फुर्सत नहीं। किसके लिए जोड़ा? किसके लिए कमाया? किसके लिए? महाराज आखिरी में वही औलाद छाती पर पटकेगी और कलदार छाती पे पड़ा रहेगा और उठा नहीं पाएंगे, तो किसके लिए कमाया? आज सत्कर्म करने के लिए समय दिया है,
बचपन में भगवान के आगे झुक जाओ, ना जब बने तो जवानी में परमात्मा के आगे झुक जाना, जवानी तक भी नहीं झुके तो अधेड़ी में परमात्मा के आगे झुक जाना, तब तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाएगा कि कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ाएगा, फिर दुनिया के आगे झुक के चलना पड़ेगा। इसलिए हरदोई वालों ध्यान रख लो, अभी भी मौका, कुछ नहीं बिगड़ा, झुकना नम्रता का सुख हो सत्यमय जी। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है, अंतिम समय में मृत्यु भी हंसे कि पूरा जीवन गवा दिया, बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई। महाराज आपके बच्चे को आप 100 रुपए देते हो और 100 रुपए देकर कहते हो जा रहे बाहर से सर्फ की थैली लिया और बिस्कुट का पैकेट लिया, 100 रुपए लेकर बच्चा गया, 25 रुपए की सर्फ की थैली लाया, 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लाया, कितने हो गए? 30। माँ ने पूछा बाकी के पैसे? मम्मी ये 70। पकड़ो, हिसाब लिया कि नहीं लिया? आप अपने बच्चे को 100 रुपए देकर भेजते हो तो 100 रुपए का हिसाब लेते हो, एक बेटे से आप जब 100 रुपए का हिसाब ले सकते हो तो वो मेरा कालों का काल महाकाल, ऊपर जाओगे तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नहीं लेगा कि नीचे गया था तो क्या करा, 100 साल दिए थे, बचपन कहां गवाया, जवानी कहां गई, अधेड़ी कहां गई। फिर आंसू आंख में मल मल के कहेगा मैंने पूरी जिंदगी बस केवल जोड़ा भजन तक। महाराज जो दुकान पर बैठकर कमाया वो अपने परिवार के लिए कमाया, और शिव महापुराण के इस पंडाल में बैठकर जो तुम कमाई कर रहे हो ये किसी परिवार की कमाई नहीं, ये अपनी कमाई, अपनी। जो तुम दान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, ये अपना है, ये मेरा अपना खुद का, ये दूसरे की कमाई नहीं है, ये आपकी कमाई। मैं अग्रवाल जी को, नरेश जी अग्रवाल जी को, भाई साहब जी को और ये जितने भी अग्रवाल परिवार से सब लोग बैठे हैं, इनको धन्यवाद दूंगा कि जिंदगी में राम कथा भागवत कथा दुनिया बहुत कराती है पर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा लेना, और शिव पुराण की कथा भागवत केवल पितरों को तारती है। किसको तारती है? केवल पितर। और पितर कौन? पितर किसको कहते हैं? पितर के भी 3 क्रम है, पितर, आहुत और वासुक, कितने हैं? 3। पितरों का जो देवता है आर्यमा, क्या नाम है उनका नाम? आर्यमा। काय पर बैठता है? कौए पर। पितरों का देवता काय पर बैठता है? कौए पर। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा था? दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी कौन सा है? अरे बोलो जमके। कोयल सुंदर है, मीठी बोलती है वो तो। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर, ये आज के हिसाब से मोर, पर दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी, सबसे आनंदमय पक्षी कौआ था। कौन था? कौआ। बगुले से भी ज्यादा साफ, बगुले से भी ज्यादा, हंस से भी ज्यादा सुंदर था, श्वेत। इसलिए पितर लोग उस पर बैठते थे। पितर काय पे बैठते हैं? कौए पर। एकदम श्वेत, एकदम वाइट। वो तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा फाल्गु नदी के तट पर, और फाल्गु नदी के तट पर यज्ञ करा तो गया सुर को छाती पे यज्ञ करा, गया सुर की छाती। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कौए को बुलाया, कौए तो बहुत समझदार है, एक काम कर अमृत का पता लगा कर कि अमृत कहां पर है, क्योंकि अमृत से गयासुर की छाती लीपना, अमृत का पता लगा। अब अमृत का पता लगाने कौआ गया तो 3 दिन तक कौआ पता लगाता रहा, उसको मिला नहीं। 3 दिन तक लगाने के बाद जब अमृत मिला तो कौए को प्यास लगी, भूख लगी, कौए ने अमृत को पी लिया। पीते से कौआ ब्रह्मा जी के पास में आकर कहा अमृत वहां रखा है। ब्रह्मा जी अमृत को लाए, यज्ञशाला को लीपने लगे, इतने में कौए ने कहा इससे मत लीपो, ये तो हमने झूठा कर दिया। झूठा कर दिया,
ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, कौआ तेरी बुद्धि काली है, जा तू काला हो जा और तेरी वाणी कर्कश हो जा। इसलिए कौआ काला हो गया, नहीं तो सबसे सुंदर पक्षी था कौआ। इसलिए पितरों के देवता काहे पे बैठते हैं? कौए। आर्यमा स्वामी पितरों का देवता है, आर्यमा, आर्यमा बैठता कौए। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्राद्ध में कौए को भोजन दिया जाता है। कौए को भोजन क्यों देते हैं? क्योंकि पितरों का देवता आर्यमा हमारे घर के पितरों को लेकर पितृ लोक से कौए पर लेकर चलता है और हमारे दरवाजे पर तिथि वाले दिन हमारे पितरों को छोड़ता है। जब वापिस लेकर जाता है, हमारी छत पर जो भोजन पड़ा रहता है उसको पितरों का जो कौआ है, आर्यमा का जो कौआ है, वो अपनी चोंच में भर लेता है और हमारे पितरों को लेकर चले जाता है। पितर लोक में जब हमारे पितर को भूख लगती है, जब वो भूख से बिलबिलाते हैं, तो कौआ अपनी चोंच में से भोजन निकाल निकाल के अपने पितरों को देता है। इसलिए 16 श्राद्ध में कौए को भोजन दिया जाता है। इसीलिए कौए पितृ लोक में। तो यहां जो शास्त्र कह रहा है, तीन हैं पितर, आहुत और वासुक्य। पितर कौन हुए? जो पूरी उम्र लेकर गए, पूरी उम्र लेकर शांत हुए, वो पितर है। आहुत कौन? जो कुंवारी अवस्था में चले गए, गर्भ में चले गए, 6 महीना 9 महीना 8 महीना 10 महीना या कुंवारी अवस्था में बिना शादी के चले गए, वो आहुतों की गिनती में आ गए। वासुक कौन? जो बहुत सारी अभिलाषाएं लेकर, बहुत मन में बहुत कुछ करने का था और अचानक मर गए, वो वासुकों की गिनती में आते हैं। याद रखना, जो तर्पण दिया जाता है वो पितरों को मिलता है, जो पिंड दिया जाता है वो पितरों को मिलता है, जो अन्न का दान 16 श्राद्ध में करा जाता है वो पितरों को मिलता है। ये दो को प्राप्त नहीं होता। किसको? आहुत और वासुक। इनको भागवत का रस तत्व भी नहीं मिलता, इनको किसी चीज का पुण्य नहीं मिलता। पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, 18 पुराण में केवल एक पुराण है शिव महापुराण, जो कि करवाने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति अगर जीवन में उसके कुल में, उसके परिवार में अगर कोई कुंवारा गया हो, कोई बहुत सारी अभिलाषाएं लेकर चला भी गया हो, तो उसकी मुक्ति उसको केवल एक शिव महापुराण श्रवण करने से वो तृप्त होकर भगवान शंकर के धाम चले जाएगा। तुम हजारों भागवत करा लो, रामकथा करा लो, गीता करा लो, पर उस जीव की गति इस भागवत तत्व के अलावा, शिव महापुराण तत्व के अलावा नहीं हो सकती। गति शुद्ध। सर्वदीक्षा। और ध्यान दें, हम माताओं से कहते हैं, माताओं आप तो 5 दिन की शिव पुराण है, यहाँ पर कितने दिन की है? 5 दिन की। मेरा माताओं से निवेदन है, आप अधिक से अधिक संख्या में आकर सुने। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई माता नहीं होती जिसका कभी 2 दिन का 8 दिन का 15 दिन का गर्भ ना गिरा। और माताएं अगर उस भाव को श्रवण कर लेती है तो जीव अगर कहीं भटक भी रहा हो तो उस जीव को गति प्राप्त हो जाती, मुक्ति प्राप्त, फल की अनुभूति देने वाली है शिव महा, फल का आनंद। भगवान ब्रह्मा जी को कहा भगवान उसी समय पर काल भैरव को बोले काट दे सिर, ब्रह्मा का ये झूठ बोल रहा है। और ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर फेंका, फेंकते से ही ब्रह्मा जी का सिर कट गया, लुढ़का सिर। ब्रह्मा जी अभी भी झूठ बोल रहे थे तो उनके रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम था कर्मनाशा नदी, आज भी लखनऊ इलाहाबाद के बीच में बहती है आज, कर्मनाशा, जिस नदी के तटों पर लिखा हुआ है यूपी गवर्नमेंट ने, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए, ये कर्मनाशा। नेट पर सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर है, पर शिव महापुराण में लिखा है 14 किलोमीटर की नदी है। कितने? 14। शिव महापुराण में 14 है, नेट पे सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर निकलेगा। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी, हमारे नेट पर हमने देखा कर्मनाशा तो 20 किलोमीटर की है और आप 14 किलोमीटर बता रहे हो, तो हमारी शिव महापुराण में 14 किलोमीटर कर्मनाशा नदी। भारत की भूमि पर केवल एक ही नदी है जो लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में बहती है, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, पक्षी अपना मुख नहीं देता, अगर कोई उसमें हाथ भी धो ले
तो सात पीढ़ी में करा हुआ कन्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, ब्राह्मणों का जो दान दिया है, उपास करा, व्रत करा, जितने भी तुमने दान पुण्य करे होते हैं वो सब सात पीढ़ी के निष्फल हो जाते हैं। वो कर्मनाशा में हाथ धोने, ऐसी कर्मनाशा केवल एक नहीं कर्मनाशा, उसमें कोई हाथ नहीं धोता, उसमें कोई पांव नहीं डालता। और कितने ब्राह्मण हो, विद्वान विद्वान ब्राह्मण कई लोग ऐसे हैं यूपी के जो कर्मनाशा नदी के पार अपने बच्चों का विवाह तक पक्का नहीं करते, क्योंकि पार अगर विवाह पक्का कर देंगे तो जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो मान लो छींटा लग गया तो नदी का, तो हमारे तो पूरी जिंदगी का कर्म नष्ट हो गया। तो ब्राह्मण विवाह भी पक्के नहीं करते, उस कर्मनाशा। बोलिए हर हर महा, कर्मनाशा प्रकट। और ब्रह्मा जी का मुख जो कट कर गिरा है, भगवान शंकर के सामने भगवान नारायण ने स्तुति करी है, भगवान नारायण स्तुति कर रहे हैं, हे भोलेनाथ, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कुछ कृपा करिए भोलेनाथ, ये ब्रह्मा जी के मस्तक का कुछ कर दीजिए। ये ब्रह्मा जी का जो मस्तक कट कर गिरा है, ये ब्रह्मा जी के मुख का हम करेंगे क्या? लोग इनसे ईर्ष्या करेंगे क्योंकि आपने सिर कटवाया है, आप कुछ करुणा करिए। काल भैरव बोला, भोलेनाथ मेरे लिए आज्ञा। शंकर भगवान बोले, तुम काशी के कोतवाल बनकर बैठोगे। कहां के कोतवाल? काशी के। आज भी शंकर भगवान का ही एक स्वरूप जो काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ, वो कोतवाल बनकर काशी में बैठ गए। आज भी दुनिया में एक ही नगरी है काशी, जिसको अभिमुक्त नगरी कहा जाता है। कौन सी नगरी है वो? अभिमुक्त नगरी। काशी को अभिमुक्त कहा जाता है। अभिमुक्त का मतलब जानते हैं? जो कभी नष्ट नहीं होते। सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, और कलयुग में भी काशी है। और पूरी पृथ्वी वापिस नष्ट हो जाएगी, पर काशी अपनी जगह पर रह जाएगी। माता पार्वती जी ने काशी में दो वर मांगे थे भगवान शंकर से। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मांगा था, भोलेनाथ वर दीजिए कि काशी में, पहला वर मांगा माता पार्वती ने कि जो पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। आज भी पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता है, पति झगड़ के कहीं पे भी चले जाए पर आते से पूछता, क्यों तेरी मम्मी कहाँ है? तुरंत पूछता, क्योंकि उसका प्रेम बढ़े झगड़े के। और माता पार्वती ने दूसरा वर मांगा पार्वती जी ने, शिव जी वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले, पार्वती कैसे मूर्खों की तरह बात करती है, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूं, ये कैसे हो सकता है? मैं देवता, देवाधिदेव महादेव, और काशी में जो मरेगा वह सांसारिक मनुष्य, मैं मंत्र कैसे दूं? पार्वती जी बोली, नहीं प्रभु, वर दीजिए कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र तो आपको देना पड़ेगा, आप दीजिए। काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र आप दीजिए। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने मना कर दिया, नहीं मैं मंत्र नहीं, मैं मंत्र नहीं दूंगा। और जब मना करा मंत्र का, माता पार्वती जिद पर अड़ गई और पार्वती जी तप में लीन हो गई। जब माता पार्वती तप में लीन हो गई तब बाबा भोलेनाथ को दया आई। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ठीक है, तू वर मांग रही है कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मुझे देना है, मैं वर देता हूं कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। पर पार्वती तो पार्वती, पार्वती ने कहा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? धर्म पत्नी बड़ी होशियार है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? वो तो कई कई पत्नियां ऐसी होती हैं जो पति को नहीं समझ पाती, जो समझे नहीं। तो एक पति पत्नी गार्डन में घूमने गए और सामने से कुत्ता आ गया। अब कुत्ता आया तो पति को लगा मेरी पत्नी को नहीं काट खा, मुझे काटेगा चल जाएगा, पत्नी को काटेगा तो टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल बच्चों को कौन भेजेगा, तैयार कौन करेगा, मुझे काट ले कुत्ता, पर पत्नी को ना काटे। कुत्ता और पास में आया,
पति पत्नी दोनों पीछे सरके, और कुत्ता पास में आया, पति पत्नी और सरके, इतने में कुत्ता और पास में आया, पति ने सोचा मुझे काट ले पर पत्नी को नहीं, उसने तुरंत पत्नी को गोदी में उठा लिया। अब जैसी पत्नी को गोदी में उठाए ना, कुत्ता भाग, कुत्ता तो भागा, इतने में पत्नी पति से बोली तुम्हें शर्म मरम आती कि नहीं आती थोड़ी बहुत? पति ने पूछा क्यों? दुनिया के लोग कुत्ता को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब बताओ उसकी किस्मत में यश नहीं लिखा बिचारे की तो करे क्या, उसने तो भलाई के लिए उठाया, यश भाग्य में नहीं हो तो क्या करे। कल हमारे अग्रवाल जी बड़े सुंदर बात कर रहे थे, भैया जी के बड़े भैया बैठे थे सोफा पे आए थे, तो कहे गुरु जी हम एक डॉक्टर से लिखवा के लेकर आए कि डाइट का पर्चा कि कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। उसने लिखा इतना इतना खाना चाहिए। तो हमारे नरेश भैया के बड़े भैया बोलते हैं महाराज हम डॉक्टर को बोलिया इससे कम तो हम पहले से खा दो, इससे कम तो हम पहले से खा ले, और डाइट का पर्चा तुमने बनाया। महाराज भैया जी हमको कल रात को बहुत हंसी आई जब बात, हमने कहा भैया जी ने गजब की बात सुनाई है। अब काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी। पार्वती जी ने कहा वर दीजिए कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र आप देंगे। हाँ दूंगे, हम मना नहीं, पर अब हमें यह बताओ कि मंत्र देकर हमें मालूम पड़े ऐसा कैसे दोगे? शंकर भगवान ने कहा तुम बताओ। पार्वती जी बोली एक काम करिए, सीधे कान में मंत्र देकर कान को मोड़ दीजिए, हमें दिख जाएगा कि आपने मंत्र दे दिया। शंकर जी ने कहा ठीक। आज भी शिव महापुराण में भी लिखा है और काशी से एक बुक निकलती है किताब, काशी मरणोन्मुक्ति किताब का नाम, कौन सी किताब है? काशी मरणोन्मुक्ति, उसको पढ़ना है। उसमें भी लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, केवल विश्वनाथ की एक ही नगरी है काशी जहां पर मरने वाले का कान अपने आप सीधा कान टेढ़ा हो जाता। कौन सा कान? सीधा कान, अपने आप टेढ़ा हो गया। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था कि शिव महापुराण में ये लिखा है, काशी मणमुक्ति में ये लिखा है, तो ऐसा होता होगा क्या? फिर काशी में महेश्वरी धर्मशाला में, कहां की महिला मंडल थी, कहीं कर्नाटक की वासवी महिला मंडल, कर्नाटक की गुलबर्गा की, उसने कथा कर, तब कथा करने के लिए जब काशी में गए तो हमारे मन में आया कि शिव महापुराण में लिखा है, काशी मणमुक्ति में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, तो जरा देखा जाए।